हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो होंडा हाइनेस का जो प्रीमियम कस्टम किट निकाली है होंडा बिग विंग ने, जो कि है होंडा हाइनेस कस्टम टूरर या कस्टम कंफर्ट बोल सकते हैं उसको। उसमें क्या चेंजेस हैं और उसमें क्या क्या किट अवेलेबल है एंड किस प्राइस अवेलेबल है। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस अभी हम लोग होंडा बिग विंग गुड़गांव में जो टॉप लाइन है एंड यहाँ पे अभी BS6 वर्जन 2 की वजह से जितने भी सुपर बाइक्स हैं होंडा की अभी आई नहीं है, सिर्फ होंडा हाइनेस ही आई है, क्योंकि होंडा हाइनेस ही मतलब जो BS6 वर्जन 2 है उसको कंप्लाइंट है। बाकी CB300F या CB300R या CB500X या और कोई भी सुपर बाइक अभी टॉप लाइन गुड़गांव में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो अभी BS6 वर्जन 2 को अप्लीकेबल नहीं करती है। सिर्फ होंडा हाइनेस है, तभी इसमें यहाँ पे E20 लेके आ रहा है, तभी आपको सिर्फ यहाँ पे होंडा हाइनेस ही मिलेगी। वहाँ पे आप देख सकते हैं CB500X है, वो भी बस 2019 मॉडल है, वो भी मीडिया बाइक है, तभी वो लगी हुई है, उसे मीडिया को मिलती है। तो अब इस पर बात करें तो ये हमारा है, इसे पीछे लिखा है कंफर्ट कस्टम का। इसमें क्या क्या आता है, तो पहले आपको विजर आता है, फिर आपका नकल गार्ड आता है, ये वही है जैसे आप कस्टम टूरर में था। फिर आपकी ये स्प्लिट सीट्स आती हैं जो उसमें डिज़ाइन बने हुए हैं, ये डिज़ाइन इसलिए बने हुए हैं ताकि आपको मतलब लॉन्ग राइड में अगर कहीं आप जाएँ आपके मतलब ऐस दर्द ना करे। एंड देन ये मेन ये आता है, इसमें आपका ये बैकरेस्ट, बैकरेस्ट क्वालिटी देखें अगर, ये टैन ब्राउन कलर में एंड इसका ये स्टडी दे रखा है होल्डिंग के लिए, ये काफ़ी स्टडी है। होंडा एक चीज़ और कर सकता था, जैसे कि आपने देखा है कि कंफर्ट टूरा जो मॉडल आता था उसमें यहाँ अलग से जगह थी सामान रखने की, लाइक पीछे टॉप रैक थी और लेकिन उसमें सीट नहीं थी, लाइक बैकरेस्ट नहीं था। तो अगर होंडा अगर ये करता कि बैकरेस्ट का साथ ही में जो रैक है उसका कुछ अगर मिक्स वर्जन निकालता तो बाइक और अच्छी लगती, लेकिन ये भी प्रीमियम लगता है। सो अगर पीछे से इसका आपको लुक दिखाएं होंडा हाइनेस का, होंडा हाइनेस ऐसी लगती है। होंडा हाइनेस का अगर विदाउट बैकरेस्ट का लुक दिखाऊं तो वो ऐसी दिखती है, देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क है। तो होंडा हाइनेस अब बल्कि लगती है पीछे से, क्योंकि होंडा हाइनेस अगर अब ये देखें पीछे से काफ़ी सिंपल सोबन लगती है, आगे से बल्कि है लेकिन पीछे से काफ़ी सिंपल सोबन लगती है। अब देखो यहाँ पर कितनी सिंपल लग रही है, लेकिन अगर आप होंडा हाइनेस यल देखोगे उसमें बैकरेस्ट लग है ये ऑलरेडी काफ़ी प्रीमियम है, आप देख सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं पीछे जो लुक आ रहा है इसका जो लुक आ रहा है। तो अभी बाइक काफ़ी प्रीमियम लगती है एंड ये कलर जो है रेड वाइन, हमेशा मैंने बोला आपको बहुत ही प्रीमियम है। और इसमें क्या चेंजेस आए हैं, इसका जो ये रैक है फुट रेस्ट ये चेंज है और बाकी कस्टम कंफर्ट में और कुछ नहीं है, सेम गोस फॉर यहाँ, यहाँ पे वही रैक दिया हुआ है आपके फुट रेस्ट वाला। बाकी ये आपका बेस मॉडल है तो यहाँ पे ग्रे कलर के मेटल मड गार्ड्स है, सेम गोस फॉर रियर, यहाँ पे कुछ ब्लूटूथ नहीं दिया हुआ आपका एंड ये यूनिवर्सल है, आप किसी बाइक में लगवा सकते हैं होंडा हाइनेस की, अगर आप पास 2020 2021 की होंडा हाइनेस है तब भी लगवा सकते हैं। तो गाइज़ अब बात करें अगर प्राइसिंग की, और अगर आपको ये इंडिविजुअल किट अगर लगवानी हो तो आपको एक किट कितने की पड़ सकती है और क्या ये अवेलेबल है। तो अभी इनिशियली ये इंडिविजुअल आप किट नहीं लगवा पाएंगे, लाइक इंडिविजुअल आपको कोई पार्ट लगाना हो जैसे आपका वाइज़र हो गया या फिर ये हो गया नकल गार्ड या फिर ये बैकरेस्ट, अभी आप नहीं लगवा सकते क्योंकि अभी ये अवेलेबल नहीं है बल्क में। तो धीरे धीरे लाइक मंथ या 2 मंथ्स बाद आप इंडिविजुअल लगा सकते हैं। तो आपको ये वाइज़र अप्रॉक्स का पड़ेगा, वाइज़र आपको पड़ेगा 2500 का, ये जो वाइज़र आप देख सकते हैं, फोक गेटर्स आपको अप्रॉक्स 600 के पड़ेंगे एंड ये जो आपका ये देख सकते हैं इंजन अबर अपर पाइप, ये आपको पड़ेगा अप्रॉक्स 1600 का। एंड अगर बात करें फुटरेस्ट की, फुटरेस्ट आपको पड़ेंगे अप्रॉक्स यानी जो है 1300 की, जो बैकरेस्ट है ये 3427 का पड़ेगा एंड ये काफ़ी स्टडी है, लाइक आप देख सकते हैं काफ़ी
मजबूत पाइप लगाई है लोगों ने, काफ़ी स्टेडी है। तो अप्रोक्स आपको पड़ेगा 3500 का। नकल गार्ड आपको पड़ेंगी अप्रोक्सीमेटली 2000 की पड़ेंगे आपको नकल गार्ड। कॉकपिट व्यू अगर देखें तो कॉकपिट व्यू ऐसा आता है। तो आपको ये प्राइसिंग पड़ेगी इस पूरे किट की। एंड अगर आपको ये पूरा अगर लगवाना हो तो टोटल आपको पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 22000 का ऑन रोड, सॉरी ऑन रोड कह रहा हूँ, पूरे फिटिंग चार्ज मिला के सर 22000 का पड़ेगा आपको ये। एंड अगर बात करें तो क्या रियली कंफर्ट कस्टम है या नहीं, जिसके नाम पे आता है नहीं, तो मैं बोलूँगा जब हम लोग कंफर्ट कस्टम जो हमारा नाम आता है वो डिराइव ये करता है कि हम लोग ईजिली ट्रैवल कर पाएँ, ईजिली मतलब क्रूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए मतलब एक चीज़ बात आती है, जो विंड रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ईजी होना चाहिए और हमारी सीट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा सीटिंग पोस्चर सही हो और हमारे पैर भी ईजिली कम्फर्ट हो, पैरों में भी ईजिली ग्रिप बने, साथ ही जो हमारा पिलियन हो वो भी मतलब कम्फर्टेबली क्रूज़ कर पाए। तो यहाँ पर विंडशील्ड गुड इनफ है, लाइक इसकी लेंथ मैं बोलूँगा कम है लेकिन बेटर है, जब ये वाइजर आता था उससे तो काफ़ी बेटर है। तो लाइक काफ़ी मतलब विंड प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, सीट भी काफ़ी अच्छी कर दी है एंड इसमें ग्रूव्स दे दिए, तो आपको लॉन्ग राइड में इजी रहेगा और आपके पैर में ग्रिप्स भी इजी बनेंगे क्योंकि चौड़ा दे दिया ये। एंड जो पिलियन है, पिलियन के लिए सीट बड़ी है एंड बैकरेस्ट भी है, तो अगर आप सडन रिव देते हैं तो उसके लिए काफ़ी इजी रहेगा। एंड अगर आपको साइड व्यू दे दो होंडा हाइनेस का ऐसे एंड कंपेयर करें, उसका मैं आपको हैंडल बार थोड़ा लंबा कर दूँ, अब आपको बेस्ट व्यू मिलेगा। तो साइड से ये ऐसी दिखती है एंड विदाउट एनी एक्सेसरीज ये ऐसी दिखती है। तो कंपेयर कर सकते हैं साइड में कौन सी बेटर लुक लग रही है आपको। एंड अगर आप इसका फ्रंट फेशियल कंपेयर करें, फ्रंट में ऐसा लुक आ रहा है, उसका फ्रंट लुक ऐसे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा डिफरेंस है। एंड अगर आप बैक का कंपेयर करें, बैक में हाइनेस ऐसी दिख रही है, लाइक काफ़ी सिंपल एंड सोबर है। एंड बैक में विद बैक रेस्ट काफ़ी ब्रॉड लग रही है, अब आप देख सकते हैं। तो होंडा हाइनेस का पीछे जो बल्कि लुक आता था, जो मतलब होना चाहिए था, वो इससे कंप्लीट हो चुका है। तो मैं बोलूँगा आप ये लगवाइए, डेफिनेटली काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा मेरे को एंड इतना कॉस्टली भी नहीं है, काफ़ी स्टेडी भी है। एंड तो ये कंफर्ट कस्टम किट ट्रूली अपने नेम को करता है, एग्री। सो गाइस मैं बोलूँगा आप डेफिनेटली इसकी पर जा सकते हैं, अगर आप मतलब कपल राइडर्स हैं एंड आपको अच्छा लगता है अपने पार्टनर साथ घूमना फिरना, तो डेफिनेटली आप इस पर जा सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, सो गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम, माई IG ID is सफल सबरवाल एक ही दिव्य बाइकर। सो थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।